This is Dr. Krishan. I am a consultant ENT head and neck surgeon and co-convener at Indian Medical Association. आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के प्रिकॉशंस. बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस के जो प्रिकॉशंस हैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं. कुछ कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहता हूँ, स्पेशली वो एलर्जेंस अवॉइडेंस और इन्वायरमेंटल जो प्रिवेंटिव स्टेप्स, इन्वायरमेंटल कंट्रोल जो हम करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट करेंगे उसके रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ. तो जो 7-8 कॉमन बहुत सिंपल स्टेप्स हैं ओपीडी में हम पेशेंट को बताते हैं उसको डिस्कस करेंगे. जैसे कि मैट्रेस और जो मैट्रेस और पिलोज होते हैं, या तो आप एंटी एलर्जिक मैट्रेस या आप पिलो लें. अगर नहीं ले पाते हैं तो उनको एटलीस्ट एक कवर लगा दें. कवर को साफ करना इजी रहता है, आप रेगुलरली हॉट वाटर में आप वॉश कर सकते हो. दूसरा है जो भी बेडिंग है उसको एटलीस्ट 55 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर वाले पानी से साफ करना है, रेगुलरली करना है, एवरी 2 वीक करना है. और ऐसी चीजें हटा दें जो डस्ट वगैरह अक्यूमुलेट करता है, क्योंकि डस्ट रहता है तो फिर उससे एलर्जिक राइनाइटिस के एपिसोड्स बढ़ते हैं, एलर्जन कॉन्टैक्ट हमारा बढ़ता है, फिर उसे एलर्जिक राइनाइटिस बढ़ता है. दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो कपड़े वगैरह हैं उसे खुले में ना रखें, कपबोर्ड वगैरह में, अलमीरा वगैरह में बंद करके रखें ताकि उस पर डस्ट ना चिपके, और नहीं तो फिर वो भी एक एलर्जिक राइनाइटिस के एपिसोड्स को रिजल्ट करता है. दूसरी चीज़ क्या है कि फर्नीचर्स वगैरह, ऐसे फर्नीचर्स ना यूज करें जो डस्ट एब्जॉर्ब करते हों. सो ये चीज़ ध्यान रखें, कोशिश करें कि प्लास्टिक फर्नीचर्स वगैरह या विनाइल पीवीसी फर्नीचर्स वगैरह यूज करें. इसके साथ साथ कारपेट्स वगैरह हटा के, कारपेट्स में डस्ट चिपक जाती है और कारपेट्स की सफाई नहीं हो सकती रेगुलर, तो कारपेट्स वगैरह हटा के कुछ वॉशेबल रग्स रखें. और हार्डवुड फ्लोर्स वगैरह रहता है तो उसमें डस्ट के चिपके रहने के चांसेस कम होते हैं. और अगर कारपेट है आपके पास तो कारपेट की जो सफाई होती है वो 3% टैनिक एसिड से होनी चाहिए. 3% टैनिक एसिड से सफाई करके, मतलब अप्लाई करके उसको वैक्यूम करेंगे तो डस्ट जो चिपका होगा वो निकल जाएगा. दूसरी चीज की जो कर्टेंस वगैरह है ऐसे ना ले कि एक बार लग गया तो लग गया, वॉशेबल कर्टेंस रखें ताकि डस्ट वगैरह उनसे भी साफ हो जाए. और जो एयर कंडीशनर के एयर फिल्टर्स होता है और वेंट होता है रेगुलरली एवरी मंथ साफ होना चाहिए ताकि उसमें भी डस्ट ना चिपके, नहीं तो इससे भी जो पेशेंट में एलर्जिक राइनाइटिस के एपिसोड्स एग्रेवेट होने के या होने के चांसेस होते हैं. तो एक ये कंप्रेहेंसिव जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल के हिसाब से हम जो टिप्स देते हैं वो एक कंप्रेहेंसिव वीडियो ये है. होप आप इनको फॉलो करेंगे और इनकी मदद से आपको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट में वो इम्प्रूव होंगे. इस वीडियो के साथ साथ आपको मेन एलर्जिक राइनाइटिस का जो मैंने वीडियो बनाया हुआ था, काफ़ी पुराना वीडियो है, वो भी आपको देखना है. उसमें सारे प्रिकॉशंस कॉजेज वगैरह डिस्कस किया हुआ है. इसके अलावा अगर आपको कभी भी मेरे से इंडिया के किसी भी कोने के पेशेंट अगर मेरे से कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं तो हेल्थ प्लिक्स और डॉक्टर्स ऐप पे मैं अवेलेबल हूँ, आप वहाँ से कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं. बाकी दिल्ली में मैं अलग अलग हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में जाता हूँ, वहाँ से कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं. धन्यवाद.